हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी की डिमांड पर लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग, जिसमें आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक रीडिंग बनाइए कि वो क्या वापस आएंगे। जी हाँ, वही पार्टनर जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, जिनके मन में आपका भी ख्याल है और आपके मन में उनका भी ख्याल है, उनके बारे में हम देखेंगे क्या वो आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गए हैं वो वापस आएंगे। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सबसे पहला कार्ड आ गया है हमारे पास। डियर कैमरा प्लीज़ फोकस, यस थैंक यू। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आ गया है बैलेंस। दूसरा कार्ड हमारे पास है ओपन अप। ठीक है, यहाँ पे दोनों की सिचुएशन आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैलेंस ओपन अप। हमारे पास है ब्लॉसम, हमारे पास है शाइन। ठीक है, ये कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे अभी इस समय उनके मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। अलग अलग तरीके के कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है सिचुएशन में, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम में, आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन में चल रही है, क्या वो वापस आएंगे। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, क्या वो वापस आएंगे। ओह माय गॉड, ओके एम्परर, और यहाँ पे है द फूल का कार्ड। बहुत बेफिक्री वाली एनर्जी में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। इन कार्ड्स को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है करंट एनर्जी से पहले मैं बताना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके घर वालों की वजह से अलग हुए पड़े हैं, और आप दोनों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने रियूनियन का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आ गया है फूल कार्ड। आपसे अलग होने के बाद ये जो पर्सन है ना, पहले बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, अब उससे भी पहले मैं शुरू से बताना शुरू करती हूँ। फूल वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, ये आपको जब अप्रोच कर रहे थे या फिर करने से पहले, ये कुछ इस टाइप के इंसान थे जो बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं है, बेफिक्रे टाइप के इंसान, किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हवा में उड़ने वाले। ये इनफैक्ट ये भी कहते थे, मैं किसी एक लड़की के साथ, या फिर अगर ये लड़की हैं तो ये कहती थी, मैं किसी एक लड़के के साथ हमेशा परमानेंटली फिक्स्ड होके कैसे रहूं। मतलब किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के गाल अच्छे हैं, कैसे नोवा टाइप्स, मतलब एक चीज़ पे ये सेटल होके नहीं रह सकते थे। फिर ये मिले आपसे और उनको हो गया आपसे प्यार, और आपको अप्रोच करने सिर्फ और सिर्फ यही आए थे। इनकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपको प्रपोज करने आए थे, जब शुरू शुरू में आपको बिल्कुल भी उन पर विश्वास नहीं लिया। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इनको हाँ कहने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे बात आ रही है एम्परर की। जो मुझे पता लग रहा है, इनके जो फादर हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। मतलब कि हो सकता है पहले ये अपने फादर की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर से ज़्यादा अच्छे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ना कुछ तो डिफरेंस है, कल्चरल हो सकता है या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। या फिर हो सकता है वो आपसे इतने बड़े हों कि उनकी शादी भी हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप मिले तो आप दोनों एक दूसरे से मिलने से रुक न पाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन ऐसा था, बिल्कुल स्पार्क वाला था, एक एक झटके में ही एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लेकिन कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में अड़चन बन के रुका हुआ है, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आप दोनों ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके फादर को जब आपके बारे में पता चला, तो आप दोनों को सेपरेशन का जो कारण है उनके फादर ही बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस मामले में उनके फादर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, और कहीं ना कहीं उनके फादर के स्ट्रिक्ट होने के बाद उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि उनको ना बहुत ज्यादा गिल्टी फील कराया गया कि तुमने बहुत गंदा काम कर दिया है, तुमने हमें बदनाम कर दिया, हमारे मुंह पे काली पोत दी, कुछ इस तरीके की बातें उनको सुनाई गई। ठीक है, लेकिन अगर बैक ऑफ द हेड में देखूं, आपके पर्सन हमेशा सोचते रहते हैं कि आपको
आपके पास आए, आपको अप्रोच करे, हो सकता है वो उन्होंने आपको अप्रोच किया भी हो लेकिन आपने सामने से कोई भी जवाब ना दिया हो, जिसके कारण उन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बुरा ज़रूर लग रहा है या फिर लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने आप को काम में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैक ऑफ द हेड अगर कोई उनसे पूछता है कि इस इंसान के साथ तुम्हारे क्या प्लान्स है, तो वो हमेशा यही जवाब देते हैं और आज भी मुझे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे उनसे शादी करनी है, मुझे उनको जीतना है, उनका दिल जीतना है। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ मैंने उनको राह पे, बीच राह पे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा मुझे आज तक मिल रही है कि मैं अपनी लाइफ में उनके बिना खुश तो नहीं हूँ और मुझे लगता भी नहीं है कि मेरा प्यार मुझे वापस मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ हुआ ना, बहुत गलत हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते हैं और यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आप ना बहुत बातूनी थे, ठीक है, पहले दूसरों से बहुत ज़्यादा बात करते थे, आपके पर्सन भी इस चीज़ को लेके आपको अप्रिशिएट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, नंबर 14, 4, 20 और 19 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। आप कहीं ना कहीं आपने आपको ब्लॉक करने लगे हैं, आपका हार्ट चक्रा और या फिर आपका जो थ्रोट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कि अब आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते हैं कि ज़्यादा बात करने से अगर किसी से अटैचमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, जैसे आप पहले की तरह शाइन करते थे वैसे शाइन कीजिए। देखिए, गलती आपने कोई नहीं की है, दूसरे ने आपको सज़ा दी, दूसरे ने आपके साथ बुरा किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने आप को चेंज कर देंगे। जी नहीं, उनको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। अब देखिए, ब्लॉसम जैसे आप पहले थे, अंदर जो आपके अंदर एक स्पार्क थी, आपके आँखों में एक चमक हुआ करती थी, वो सारी चीज़ वापस ले आई है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बीच में आप अपने आप को खो चुके हैं, इसका मतलब है आपकी आइडेंटिटी खो चुकी है। आपकी सोल चाहती है कि आप अपने आप को दोबारा पा लें, क्योंकि देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको अपने आप को सज़ा नहीं देनी। सज़ा आप दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपने कोई गलती की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की है तो अपने आप को सज़ा दीजिए। ये देखिए बैलेंस दोनों मेल और फीमेल आप ही के अंदर हैं। देखिएगा डिवाइन टाइमिंग आने पर आपके जितने भी आंसर्स हैं, जिनका जवाब आपको आज तक नहीं मिला है, वो ज़रूर मिलने वाला है। दोनों का प्यार सिर्फ आप ही में बसा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको छोड़ के चले गए या फिर उनका प्यार अगर आपके साथ नहीं है तो आप अपने आप को सज़ा देंगे। नहीं, उनके हिस्से का प्यार जो आप दूसरे को करते थे, वो प्यार एक बार खुद को दे के देखिए किस तरीके से आप ब्लॉसम करेंगे। अपने आप को उस तबज्जो को दीजिए, अपने आप को वो वैल्यू दीजिए जो आप सामने वाले इंसान को दे रहे थे, दूसरे को दे रहे थे, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे ब्लॉसम करती है। ओवरऑल आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आने का बिल्कुल सोचते हैं विद अ प्रपोजल, लेकिन सबसे पहले वो अपने फादर के बारे में सोचते हैं, इस मेल पर्सन के बारे में, क्योंकि इनसे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरते हैं, अफेक्टेड है। लेकिन आपके पास वो लौट कर एक बार फिर से ज़रूर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो एक बार लौट कर किसी के थ्रू या फिर किसी के ज़रिए पूछवा ज़रूर चुके हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं 14, यहाँ पे है एक 6, नंबर 0, नंबर 4 भी यहाँ पे आ गया है 20 एंड 19। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस हम देखेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, मतलब बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं दिल में लेकिन कह नहीं पाते हैं। देखिए, ओके, I always know what I am thinking, या फिर you always know what I am thinking। आपको पहले से ही पता चल जाता था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक तरीके से उनका माइंड रीड कर देते थे, इतना प्यार था दोनों में। You have taught me love is all about। देखिए, प्यार करना आप ही से सीखा, आप ही ने सिखाया, और आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, ये खालीपन उनसे बर्दाश्त नहीं होता अगर देखा जाए तो। You compliment me, आपका उनके साथ रहना मतलब उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है, अपनी शान समझते हैं वो आपको। I can stare at you for hours when you are sleeping, जब आप सो रहे हों आपको घंटों तक वैसे ही देख सकते हैं, without कुछ कहे, without कुछ जाने, कुछ ऐसा प्यार है उनका आपके लिए। I can't imagine a minute without you, आपके बिना एक मिनट भी गुजारना इतना ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। कभी कभी मन करता है इस दुनिया से परे सब कुछ छोड़ के, ये डर हटा के आपके पास आ ही जाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं पैर में बीड़िया बंधी हुई है जिसके लिए वो मजबूर है। You would travel long distances to see me,
क्या क्या सेक्रीफाइस आप करते थे उनके लिए, इतनी दूर दूर से अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे छोड़ के उनसे मिलने आते थे चुपके चुपके, जबकि घर में भी प्रॉब्लम्स हर जगह प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उनके लिए। इस बारे में अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, हमेशा तुम्हारा ख्याल मन में चलता रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे बारे में सोचा ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया, आप दोनों के रिश्ते के लिए जो डिसीजन लिया उस पर पछतावा ना हुआ हो। ओवरऑल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कल लेके आएंगे एक बहुत प्यारी कैंडल वैक्स रीडिंग, जब जानेंगे उनके बारे में कि उनके अंदर और क्या क्या चीज़ें चल रही है, बिल्कुल डीप रीडिंग होने वाली है। तब तक के लिए यही कहूँगी, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए। ये रीडिंग कैसी लगी, कैसी लग रही है आपको ये रीडिंग, आपसे क्या क्या रेजोनेट हुआ, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं लवलीज़, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।